अमरावतीत जातीय दंगलींमुळे त्रस्त आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलीस आयुक्तांनी 11 नोव्हेंबर व 13 नोव्हेंबरपासून संपूर्ण अमरावती शहरात संचारबंदी लागू केली आहे. तसेच संपूर्ण इंटरनेट नेटवर्क, ब्रॉडबँड, फायबर ऑप्टिक या सर्व सेवा तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत टॅक्स बार असोसिएशनचे ऑक्टोबर महिन्यांपासून 3B रिटर्न लिहून दिलेल्या वेळेत दाखल करू शकत नाही. मासिक फिलरसाठी 20 नोव्हेंबर ही तारीख वाढविण्याकरिता विनंती करत आहेत, असे टॅक्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट राजेश मुंदडासह अनेकांनी ऑक्टोबर महिन्याची देय तारीख वाढवावी या संदर्भात टॅक्स बार असोसिएशन द्वारा असोसिएशनचे शिष्टमंडळाने निवेदनात मांडले आहे. या संदर्भात टॅक्स बार असोसिएशनने आपले मत मांडले आहे. नमस्कार, मैं ॲडव्होकेट राजेश मुंदडा, टॅक्स बार असोसिएशन प्रेसिडेंट. जैसा कि अभी चर्चा में है कि भाई इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया सब, तो उसकी वजह से हम लोगों को भी हमारा पूरा काम जो है वो इंटरनेट की वजह से है. इनकम टैक्स के रिटर्न भी, इनकम टैक्स के चलान भी और GST का भी सारा वर्क हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं और वो सारा का सारा काम ठप हो चुका है अभी. तो उसके लिए 20 तारीख जो है GST की लास्ट डेट है अभी मंथली रिटर्न फाइलर्स की, तो उनको भुड़दड़ न लगे. पेनल्टी जो है हर पर डे की पेनल्टी है उन सबको मंथली फाइलर्स के लिए, तो उन लोगों को भुड़दड़ न लगे इसके लिए हमने अभी GST कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब को हमने निवेदन दिया है. तो ये जो निवेदन दिया है हमने अभी कि भाई इनको डेट बढ़ा के दी जाए करके, इसके लिए तो ऐसा निवेदन है और जल्द से जल्द इंटरनेट सेवा चालू की जाए, ऐसा यही निवेदन है हमारा. कम से कम गवर्नमेंट का भी इसमें नुकसान है, पेमेंट हम कर नहीं पा रहे उसकी वजह से, तो जल्द से जल्द चालू किया जाए. इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें बढ़ गई है. एक्चुअल डे टू डे में, मतलब रूटीन में हम जो वर्क करते हैं, इंटरनेट एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है हमारे लाइफ का और उसके सिवा हम कुछ भी नहीं करते. जहाँ तक सेल्टेस ऑफिस का, GST ऑफिस का सवाल है, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करना पड़ता है जो इंटरनेट के माध्यम से होती है. इंटरनेट बंद होने की वजह से कई प्रॉब्लम्स है. इवन वर्क फ्रॉम होम जो लड़के करते हैं उनको भी तकलीफें जा रही है, क्योंकि अमरावती सिटी में पूरी इंटरनेट की सुविधा बंद है. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सारे व्यवहार ठप हो चुके हैं. जैसे अभी GST रिटर्न्स की ड्यू डेट है और रिटर्न्स इंटरनेट के माध्यम से भरे जाते हैं, लेकिन नेट बंद होने की वजह से रिटर्न भरे नहीं जा रहे और डिपार्टमेंट इसके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है. कि उनके तरफ से हमने कई, मतलब संबंध में बात भी की है, फिर भी उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते. जो लेट रिटर्न की जो पेनल्टी है वो लगना ही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाए. चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी ये नेट बंद होने से सब गड़बड़ हो रही है. ये नेट बंद होने से एक तो मंथली रिटर्न जो GST के भरना पड़ता है वो भी भरे नहीं जा रहे, उसके लिए पेनल्टी वगैरह जो लगेंगी उसके लिए एक्सटेंशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं. उसके बाद में रूटीन काम जो है तो रूटीन काम पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए. स्टाफ आता नहीं है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं. जल्दी नेट, कम से कम नेट तो भी चालू किया जाए. ये जो प्रशासन ने निर्बंध लगाया नेट का, ये तो बहुत ही अनुचित लगता है, क्योंकि सभी के काम डिस्टर्ब हो गए. एक बार दुकानें जो चालू किया उन्होंने, वो भी उसका भी टाइमिंग कुछ समझ में नहीं आता. कोई बोलता 12 से 4, कोई बोलता 2 से 4, वो भी अभी तक के निश्चित गाइडलाइन दुकान वालों को भी मालूम नहीं है. तो निश्चित गाइडलाइन मालूम होने को ना, तो शासन ने इसके ऊपर एक एग्जैक्ट जो है वो अपने मत बताने को होना और पब्लिश करने को होना. सीए आदित्य खंडेलवाल, अभी ये जो रायट्स के इसमें अभी इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ बंद करके रखा है, तो इससे काफ़ी दिक्कतें हम लोग को फेस करना पड़ रहा है. हर छोटी से छोटी चीज़ का पेमेंट अभी हम लोग ऑनलाइन ही किया करते थे. 2016 के बाद से हमको डिजिटाइजेशन का इतना आदत डाल दिया, नॉर्मली हम लोग कैश कहीं कैरी ही नहीं कर रहे हैं. उसके बावजूद भी अभी इंटरनेट बंद होने के कारण जो डेली नेसेसिटीज़ है, इनफैक्ट वो भी हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं इजीली. पेट्रोल पंप पे भी अगर जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही हम लोग करते थे, तो आजकल वो भी डिफ़िकल्ट हो गया हम लोगों के लिए. इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर व्यवहार में भी अभी कई जगह हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन ही सारे कंप्लायंसेस हमको करने पड़ रहे हैं. टैक्स के देखा जाए या फिर किसी भी एक लॉ का अगर कोई कंप्लायंस करना है तो बिज़नेस को, जो वो सब ऑनलाइन ही कंप्लायंसेस करने हैं. और ये सब इंटरनेट बंद होने के कारण कई दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही है.
हम लोग कंप्लाइंसेस कर नहीं पा रहे हैं, और फिजिकल कंप्लाइंस का हमको कहीं पे भी सुविधा है नहीं, क्योंकि अभी कर्फ्यू भी है, सारे डिपार्टमेंट वगैरह कहीं पे भी हमको बाहर घूमना, संचार बंदी है के कारण हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, कंप्लाइंस कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हमको फेस करना पड़ रहा है। और इसको सबको देखते हुए एटलीस्ट इंटरनेट का फैसिलिटी तो भी स्टार्ट करके देना चाहिए। आप कर्फ्यू भले ही लगाए, अगर इतना राइट्स का अगर दिक्कत है, अगर डर है राइट्स फैलने का, लेकिन इंटरनेट एटलीस्ट मुहैया कराना चाहिए, ताकि हम लोग रेगुलर जो हमारे नेसेसिटीज़ है उतने काम हम लोग कर सकें। थैंक यू। सीए राजेंद्र खंडेलवाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गत 7 वर्षों में संचार क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति होने के कारण से आज इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न पहलू बन गया है, और इसके कारण से आज हम देखते हैं कि जहाँ भी जाए नेट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आज बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, चालान वगैरह भरनी है, इन सब चीज़ों के अंदर में इंटरनेट की व्यवस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। परंतु अमरावती में गत 4-5 दिनों से इंटरनेट व्यवस्था बंद की गई है, जिसके कारण से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज जो लेन देन के सारे व्यवहार है वो रुके हुए हैं, व्यापारी परेशान है, और इसके साथ साथ में जो एक इनकम टैक्स पेयर है जिन्हें अपने जीएसटी की चालान भरनी है, इनकम टैक्स की चालान भरनी है, वो ये नहीं भर पा रहे हैं। इसके कारण से जो एक लेन देन का जो व्यवहार है बड़ा प्रभावित हुआ है। अब जितना जल्दी ये शुरू हो सके इतने ही जल्दी ज़्यादा सुविधा होंगी, अदरवाइज़ नहीं तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम तैयार करेगा, और एक आर्थिक लेन देन का जो मामला है वो बहुत सारा इफेक्टेड होगा। थैंक यू। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि अमरावती शहर में दंगों की स्थिति हो गई और उसकी वजह से इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। जितना जल्दी हो सके दोनों चीज़ रुकनी चाहिए, दंगे तो किसी को नहीं चाहिए, और इंटरनेट की वजह से जो बिजनेस बंद हुआ है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, एक तो दुकानें बंद है, बिजनेस बंद है, और दूसरा जो लीगल कंप्लायंसेस है, जो रिटर्न्स भरने हैं, पेमेंट्स करने हैं, बैंकिंग बंद है, इस वजह से पहले ही टूटे हुए बिजनेसमैन पूरी तरीके से निराशा में जा रहे हैं और मानसिक तकलीफों की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश करना चाहिए कि ऐसी बातें फिर से इस शहर में ना हो। नमस्कार, मी नंदकुमार इंगळे, टैक्स प्रैक्टिशनर है आणि गवर्नमेंटचं ऑडिटर सुद्धा है। यामध्ये आज नेटच्या बद्दल ज्या सगळीकडे तुट्या चालू आहेत किंवा जो अहपहा चालू आहे त्याबद्दल या आमच्या क्षेत्रातील लोकांचं मोठ्या प्रमाणात थोडंसं नुकसान होतं आहे। त्याचं कारण असं आहे की आमच्या सगळ्या प्रॅक्टिस ज्या आहेत त्या साधारणतः नेटवरच बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून आहेत। टॅक्स भरायचा असेल कुणाचा किंवा काही करायचं असेल तर नेटने करावं लागतं। बँकिंगचं बँकिंगकडे वळायला गेलं की बँकवाल्यांचं नेट बंद आहे, त्याच्यामुळेसुद्धा त्यांनासुद्धा आम्ही बँकिंगमध्ये सुद्धा पैसे भरू शकत नाही, पेटीएम चालू नाही आहे, कुठल्याच गोष्टी चालू नाही आहेत। त्यामुळे शासनास अशी विनंती आहे की त्यांनी ॲटलिस्ट टॅक्सचे जे कामकाज करतात किंवा जे बाकीसुद्धा लोकांच्या बऱ्याचशा लोकांच्या नेटवर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत, दॅट इज नॉट लक्झुरियस फॉर अस, ती नीडेड आहे, ती गरज झालेली आज। त्याच्यामुळे माझी अशी विनंती राहील शासनाला आणि प्रशासनाला की त्यांनी नेटच्या बाबीकडे थोडंसं सौम्य हे करून त्याला थोडंसं एक चांगलं वातावरण देऊन परत चालू करण्यात यावं, आणि जे कोणी तुमच्या वाईट हे करत असतील, त्याला काय म्हणतो आपण की बाईट्स टाकत असतील किंवा काय रिपोर्टिंग करत असतील, त्यांचे तुमच्याकडे सगळे एवढी मोठी यंत्रणा आहे की त्याच्यावर तुम्ही अंकुश पाहू शकता। त्यातले काही लोकांना तुम्ही निर्बंध घातले तर ॲटोमॅटिकच ही बाब सॉल्व होऊ शकते, आणि काही लोकांनी केलेला जो हा वायफळ प्रयत्न आहे त्याचा परिणाम सगळ्या आम जनतेस भोगावं लागत आहे। आज परिस्थिती अशी आहे की सामान्य लोकांना तुम्ही म्हणता एकीकडे की आम्ही लक्झरियस किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे दुकानं किंवा ज्या वस्तू मिळतील त्या यांनी करतील, परंतु जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना सुद्धा लोकांना काही जे हातमजुरी करतात किंवा त्यांना जे वेळेवर आणून खातात त्यांच्यासाठी मोठं कठीण झालेलं आहे। त्यामुळे परत एकदा शासनाने याकडे लक्ष देऊन सर्वसामान्यांना आधार मिळेल असं काहीतरी उपाययोजना करावी अशी विनंती आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, नेट सेवा चालू केल्यास बाकीच्या ज्या GST च्या किंवा इन्कम टॅक्सच्या किंवा ऑडिटच्या ज्या समस्या आहेत त्याला कुठेतरी आम्हाला आधार बनेल।